हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो जहाँ पे अनबॉक्सिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैंने इस बार चूज़ किया एक बजट फ़ोन। तो मेरे पास है रेडमी 13 5G, जिसकी अनबॉक्सिंग हम लोग करने वाले हैं और उसके फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो ये है वो फ़ोन और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो इसके बाद आएगा, तो उसे देख कर फिर आइए। तो इन लोगों ने पता नहीं बॉक्स के अंदर ये क्या सैमसंग गैलेक्सी M35 5G का ये लोग ऐड कर रहे हैं। दो दो पैम्फलेट है, दो दो नहीं इतने सारे पैम्फलेट है, आई डोंट नो व्हाई। सो ये है हमारा बॉक्स, ये है रेडमी 13 5G। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स पे आप देख सकते हैं लिखा है मेड इन इंडिया MI 13 5G, और इसमें है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE 108 megapixel ड्यूल कैमरा, और कुछ स्पेसिफिकेशन पीछे भी आपको लिखे गए हैं, जैसे 33 वॉट का आपको चार्जर मिल रहा है, फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का ड्यूल AI कैमरा है, 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। इसमें आपको मिल रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, और शाओमी का नया OS आ गया है हाइपर OS जो अप टू 16 GB है। तो ये मैंने जो मंगाया है ये है ऑर्चिड पिंक कलर 6 GB 128 GB वेरिएंट। तो ये जो सीरीज़ है 6 GB और 128 GB से स्टार्ट हो रही है, और जो रेडमी 12 था वो स्टार्ट होता था 4 GB और 128 GB। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स काफी हैवी लग रहा है। तो बॉक्स में सबसे पहले रेडमी, इसके अंदर है केस, ट्रांसपेरेंट केस। तो ये केस TPU केस है, तो ये कुछ ऐसा है ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आपको कुछ यूज़र गाइड मिलता है और कुछ नहीं है बॉक्स में। ये रहा फ़ोन, और अंदर देखते हैं और क्या मिलता है हमें। तो ये है इसका केबल, केबल जो है वो है USB 2 Type-C, और ये रहा चार्जर, 33 वॉट का चार्जर देख सकते हैं। इसके बाद बॉक्स में और कुछ नहीं है। ये है सिम इजेक्टर, तो इस प्रकार का सिम इजेक्टर आपको मिलता है। ये सारे हो गए बॉक्स के कंटेंट। ये रहा केबल, चार्जर, सिम इजेक्टर, और ये फोन, और ये कवर। तो कवर को हम एक बार लगा के देख लेते हैं। सो ये कुछ काफ़ी लंबा फ़ोन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और कवर काफी टाइट बैठ गया है, सारे कैमरा कटआउट्स को कवर करते हुए। तो इस प्रकार से ये दिखेगा। ये है पिंक कलर, और बाय द वे ये फोन है मेड इन इंडिया, तो दिखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है ये फोन। आप देख सकते हैं रेडमी 13 5G। सो यहाँ पे फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी अप्लाइड है,
यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर और लॉक बटन मिलते हैं। यहाँ पे आपका कैमरा है, यहाँ पे फ्लैश लाइट है, फिर ऊपर की तरफ आपको हेडफोन जैक और आयर ब्लास्टर मिलता है, और नीचे यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, स्पीकर और एक माइक मिलता है। तो ये जो डिज़ाइन है ये पूरा ब्लास्ट डिज़ाइन है। जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है 12,000 बजट प्राइस रेंज है, और उस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है एक ग्लास बैक पैनल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्राइस रेंज में आपको इतना सुंदर डिज़ाइन एक ग्लास पैनल वाला फ़ोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रंट में सेल्फी कैमरा है, और ये जो स्क्रीन है ये है 6.79 इंच की LCD डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख के आ गया है Xiaomi HyperOS। तो पहले जो OS था अब वो यूज़ नहीं हो रहा है, अब ये लोग HyperOS पे स्विच हो गए हैं। तो फ़ोन मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पे जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको दिख रही है 120 हर्ट्ज की है। तो पहले 90 हर्ट्ज था Redmi 12 के अंदर, अब ये 120 हर्ट्ज कर दिया है। तो ये एक इन्होंने अपग्रेड किया है। प्लस जैसा मैंने बताया इसका Snapdragon 4 Gen 2nd और वो एक्सेलरेटेड वर्जन है, तो इसका थोड़ा परफॉर्मेंस भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पिंक कलर, और ये कैमरास है। तो पहला कैमरा जो है 108 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, और ये है फ्लैश लाइट, और यहाँ पे Redmi की ब्रांडिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है इसके सेटिंग्स में। तो ये जो है यहाँ पे सेटिंग्स आप देख सकते हैं। अगर मैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाएगा, तो ये डार्क मोड है, ब्राइटनेस, उसके बाद कलर स्क्रीम, फॉन्ट, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे रिफ्रेश रेट अगर हम सर्च करेंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही रिफ्रेश रेट है स्टैंडर्ड हाई, तो ये डिफॉल्ट जो है उस पर सेट किया है। बाकी आप इसको कस्टम भी सेट कर सकते हैं 60 या 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये अप्लाई हाई रिफ्रेश रेट पे आ जाता है, और ये सारे ऐप्स इसको सपोर्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐप्स की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ कुछ ऐप्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है, इसको मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये सारे ऐप्स जो है प्री बिल्ड आपको मिल रहे हैं, प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, बट ये अच्छी बात है कि आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो ये इजीली अनइंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पे जैसे ऐप्स ओपन किया, फिर यहाँ पे ये सारे ऐप्स आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली काम कर रही हैं। ये इसका कैमरा इंटरफेस, जहाँ पे आपको फ़ोटो, पोर्ट्रेट, नाइट और डेडिकेटेड 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। टाइम लैप्स वीडियो के अंदर आपको 1080 मिलेगा, 4K का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो लास्ट रेजोल्यूशन जो है 1080 का है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। अभी जैसे ये चार्जर है तो आप देख सकते हैं इसकी पोर्ट्रेट फोटो, बैकग्राउंड ब्लर, और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके की कुछ फ़ोटो आ रही है। तो फोटो और वीडियोस भी इमेजेस के सैंपल में आपको दे दूंगा, तो फोटो वीडियोस भी इसमें काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये फ़ोन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और बजट के हिसाब से 13,000 के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो अगर नॉर्मल स्प्लैश भी पड़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सारी फीचर्स आपको 12,000 के रेंज में मिल रहे हैं, और ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, मैंने पर्सनली ऑर्डर किया है।
और बाकी सारी चीजें जैसे सार वैल्यू और एवरीथिंग सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये है Redmi 13 5G सीरीज का फोन। तो ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। सो ये है वो रिंग लाइट, जब आप कैमरा ऑन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, काफ़ी इसका लाइट काफ़ी है इसकी। सो ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा लो लाइट में शूट कर रहा हूँ। सो हेलो गाइस, ये वीडियो मैं इस फ़ोन के बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो आप क्लैरिटी देख सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी, इसकी वॉइस भी इसी फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो इसकी क्लैरिटी कैसी है नीचे कमेंट्स में बताना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और फोन्स के रिव्यू हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।